ये रावी है यार, ये गंदा नाला है। पर उनका इस गधे से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे ये न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। मुगलिया दौर की बनाई गई लाहौर में सबसे पहली इमारत है, जिस दौर में यहाँ पर बादशाहों का रहन सहन हुआ करता था। ये बारह दरी जो है, इसने बहुत से मुगल शहनशाहों के दौर देखे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज मी हारून इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आपका जो मेरी लास्ट वीडियो पे रिस्पॉन्स आया, सुपर्ब। आज संडे था और आज मैं बिल्कुल फ्री था, घर पे करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने फिर प्लान बनाया कि कहीं बाहर चलते हैं। व्यूअर्स, आज हम लोग व्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं कामरान की बारह दरी, और ये शाहदारा में है। और आज के व्लॉग में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम लोग आज मेट्रो बस के लिए जाएंगे। मेट्रो बस के हम स्टेशन पे मौजूद हैं, यहाँ से अभी टोकन लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं स्टेशन से शाहदारा की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, सुख का सांस आया। बस के अंदर इतना रश था कि आपको क्या बताएं। जब बस स्टॉप पे रुकती थी तो एक बंदा निकलता था और कोई 10 चढ़ने को तैयार होते। बहुत तेज हो रहा है, बहुत ज्यादा तंगी के साथ ये सफर खड़े होकर गुजारा है। बस एंड पे आगे 10 मिनट जो है वो बैठने के लिए सीट मिली। अभी हम लोग जो है वो शाहदारा पहुँच चुके हैं। शाहदारे से तकरीबन 5 मिनट का सफर है। इसी चीज पे अभी आगे जाते हैं पुल पे, जो रावी का पुल है। गाइस, तो फाइनली हम लोग इस वक्त रावी पुल जो है वो उतर कर नीचे आ चुके हैं, और वहाँ पर पार्किंग थी सामने। यहाँ से आपको सामने दरियाए रावी के अंदर बोट पर बैठ कर जाना पड़ता है। अभी आगे चलते हैं और जाके बोट की टिकट परचेज करते हैं। और मुझे यहाँ पर एक भाई मिले हैं, अभी यूट्यूब पे चैनल है, भाई भी व्लॉग बनाने के लिए अकेले आए हैं और मैं भी आज अकेला ही आया हूँ, सोलो व्लॉगिंग हो रही है। यहाँ से बोट की टिकट खरीदते हैं, सामने बाबा जी बैठे हुए, उनसे पूछते हैं कि टिकट कितने की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाबा जी? ठीक है बेटा, टिकट दे दें। टिकट बेटा फी आदमी 50 रुपए जाने के और 50 ही आने के। पिछा का आप सुबह 9 बजे है जी, और शाम 5 बजे तक आप आपका दिल चाहे वापस, उसके बाद फिर आप वहीं रहें। उसके बाद छुट्टी। टिकट हम लोगों ने परचेज कर ली है, रोड पे बैठ के फिर आगे चलते हैं। रावी जो पंजाब के बेशतर इलाकों को शराब करता था, आज उसकी हालत ये है कि शहर का जो गंदा पानी है वो सारा रावी में लाकर डाला जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, और दरियाए रावी की हालत बहुत ही खस्ता है। चलें यहाँ से बैठते हैं बोट में। इस वक्त बोट चल रही है, आपको मेरे बिल्कुल बैक साइड पे रावी का पुल नजर आ रहा होगा। गंदे नाले के पानी की बू आ रही है। कश्ती तो किसी भी पानी पे चल जाती है। कश्ती यहाँ पर लग चुकी है और ये हम लोग पहुँच चुके हैं। हमें ये गधा जो है पानी में नजर आया, अभी मजा आएगा। ये मुझे वही लगता है, नमक जिस गधे पर लेकर जाते हैं ये वही गधा है, ये ठंडा खोता। ये भाई जो है अपना फोटो शूट कर रहे थे यहाँ पर उनका इस गधे से कोई ताल्लुक नहीं। तेरा तो गेम बचाना। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मुजम्मिल। आपका कहाँ से? शाहदारा से। मतलब आप तो यहाँ पर अक्सर आते जाते रहते? नहीं तो नहीं नहीं, हम वेले थोड़ी हैं। गजब बेइज्जती है। फर्स्ट टाइम आया शाहदारा, रह के भी फर्स्ट टाइम इधर आए? झूठ बोल रहा है। काफी देर बाद यार, मैं भी फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, पर मैं कैंट से आया हूँ। फिर अंदर चलते हैं। अच्छा, जरा आपको इसकी तारीख बताते हैं, कामरान मिर्जा कौन था और ये बारह दरी बनवाई क्यों गई। भाई यहाँ पर आपको ये जो छोटे छोटे पत्थर है उनके ऊपर चढ़ना पड़ता है, हमको सिखा रही है। थोड़ी सी आपको यहाँ पे हिल क्लाइंबिंग करनी पड़ती है, एक छोटी सी पहाड़ी बनी हुई। ये देखे ये बच्चा जो है ये कह रहा जी ये रावी है, ये रावी है यार, ये गंदा नाला है। अब क्या हो गया, देख के पता लग रहा है गंदा नाला। गंदा नाला तब होता है जब वो वहाँ से गंदा पानी आता है, तो इसमें गंदा पानी आ रहा है तो इसीलिए तो नाला इसको कह रहा हूँ मैं। रावी के बिल्कुल साथ है, यहाँ पे एक ट्रैक बनाया गया, यहाँ पर काफी प्यारा मंजर है, दरख्त हैं। बेशतर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा, उन्होंने नाम ही पहली दफ़ा सुना होगा, कामरान की बारह दरी का। कुछ भाई मुझे मिले हैं और इन्होंने पूछा कि भाई आपका यूट्यूब पे चैनल किस नाम से, मैंने इन्हें बताया हम व्लॉग्स के नाम से। मेरे ये न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। अंदर आने के लिए मेन एंट्रेंस नहीं बनाई गई, आप कहीं से भी अंदर एंटर हो सकते हैं।
जिस वक्त हम लोग इस बारादरी के अंदरूनी हिस्से में मौजूद है, और अगर इसकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक दफा दरिया बुर्द भी हो चुकी है, और इसको 19 सेंचुरी में दोबारा से डिस्कवर किया गया था और इस पर जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क दोबारा से करवाया गया था। गाइज, अगर हम ये बात करें कि ये बारादरी बनवाई क्यों गई थी, तो ये गर्मियों के मौसम के लिए बनवाई गई थी, और जिस वक्त ये बनवाई गई थी तब दरियाए रावी सैकड़ों मीटर दूर के फासले पर बहा करता था, मगर आज के दौर में अगर हम बात करें तो दरियाए रावी इसके दोनों तरफ से बह रहा है, इसकी सीधी जानिब से भी और उल्टी जानिब से भी, और इस वक्त ये एक जजीरे नुमा जो बन चुकी है और उसके ऊपर ये बारादरी है वो वाकया है। और इस बारादरी के बारे में एक बहुत ही मजे की बात यह है कि ये मुगलिया दौर की बनाई गई लाहौर में सबसे पहली इमारत है। इसके दो पार्ट बनाए गए थे, एक ये ग्राउंड फ्लोर है और एक इसका फर्स्ट फ्लोर बनाया गया, तो अभी वहां पर चलते हैं। ये यहाँ से सीढ़ियां और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, तो ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। इसके अंदर ये जो आर्चेस बनाई गई हैं, चारों तरफ से ही इसमें आर्चेस बनी हुई हैं, उनमें से हवा का जो क्रॉसिंग थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और इसीलिए इसको गर्मियों के मौसम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब आपको लेकर चलते हैं इससे ऊपर, छत जो है फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाने का रास्ता वो भी बना हुआ है, वहां से आपको दिखाते हैं कि क्या नजारा आता है और गिर्दो नवा का जो एरिया है वो किस तरह का दिखता है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस बारादरी की छत पर, और अगर हम बात करें कि इसके दाएं जानिब ये जो छोटा सा बाग बनाया गया, तो ग्रीनरी अभी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, मगर जिस दौर में यहाँ पर बादशाहों का रहन सहन हुआ करता था उस दौर में ये जगह अलग ही जोबन पे हुआ करती थी। ये जो आपको बिल्कुल मेरे पीछे जगह नजर आ रही है, ये तालाब हुआ करता था। इसको कामरान मिर्जा की बारादरी क्यों कहा जाता है? कामरान मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि पहले मुगल बादशाह थे, उनके ये बेटे थे और नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के सौतेले भाई थे। तो चलिए अब चलते हैं उस बाग में, क्योंकि कामरान की बारादरी जो थी वो हमने आपको भी विजिट करवाई और खुद भी विजिट की, तो अब आपको दिखाते हैं बाग। ये बारादरी जो है इसने बहुत से मुगल शहनशाहों के दौर देखे, और उसमें एक काबिले जिक्र बात यह है कि जो जहांगीर था उसका बेटा खुसरो, उसने जब अपने बाप जहांगीर के खिलाफ बगावत की तो उसकी बगावत को कुचल दिया गया, मगर उसको और उसके साथ मुलविस जितने भी वज़रा या जो लोग थे उनको पकड़ कर इसी बारादरी में जहांगीर के हजूर पेश किया गया, और जहांगीर ने इसी बारादरी में उनको सजा सुनाते हुए कहा कि जो बाकी 300 लोग हैं उनको यहां से लेकर और शाही किले के दरवाजे तक रास्ते सारे में लटका दिया जाए और फांसी दे दी जाए। मगर उसने अपने बेटे के बारे में फरमान जारी किया कि इसको यहाँ से घोड़े के साथ बांध कर घसीट कर उन्हीं लाशों के सामने से गुजार कर शाही किले तक लेकर जाया जाए और वहां पर ले जाकर इसकी आंखों में सिलाई फेर दी जाए। और ठीक इसी तरह किया गया, और खुसरो ने अपनी जो बाकी जिंदगी थी वो इसी शाही किले के कैद खाने में गुजारी और वहीं पर वो मर गया। और अगर हम बात करें कि इस बारादरी ने मुगल बादशाहों के दौर के बाद जो दौर देखे, उसमें काबिले फहरिस्त सिखों का दौर और अंग्रेजों का दौर भी है, और इस दौर के अंदर सिखों ने और अंग्रेजों ने अपने अपने दौर में इसको टूल टैक्स इकट्ठा करने के लिए टूल बहुत के तौर पर इस्तेमाल किया। एक दौर था कि इसी जगह पर बादशाहों की आमद पर यहाँ पर शादियाने बजा करते थे, और उनकी आमद पर यहाँ पर बहुत सी बांदियां और उनके गुलाम जो थे वो उनके इस्तकबाल में खड़े हुआ करते थे, मगर आज किसी चीज का कोई नामो निशान नहीं है, रह गई है तो सिर्फ उनकी याद रह गई है। तो ढलती शाम के साथ साथ आपको हारून का अल्लाह हाफिज, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।